हे फ्रेंड्स, मैं अनीस और आज की इस वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ स्क्वाड मैच। तो दोस्तों, स्क्वाड मैच के साथ मैं ये मैच खेल रहा हूँ और हम लोग भी चार प्लेयर हैं और सामने भी हमें मिलेंगे चार चार की टुकड़ियाँ जो कि प्लेयरों की होंगी। लेकिन मैं स्क्वाड के साथ नहीं उतर रहा, मैं यहाँ पर अकेले उतर रहा हूँ क्योंकि सोलो वर्जन स्क्वाड खेलता हूँ तो शायद मेरे को एनिमी बहुत ही कम मिल पाते हैं, जिसकी वजह से मेरे किल जो रैंकिंग है वो काफ़ी कम आप लोगों को मैं दिखा पाता हूं। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने यहां पे स्क्वाड वर्जन स्क्वाड को मैच को सिलेक्ट किया और मैं यहां पे उतर गया हूं और इजीली मैं यहां से दौड़ रहा हूं और मेरे पास यहां पे वेपन्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं भाई मुझे यहाँ पर क्या मिलते हैं। और ये शायद मेरे दिमाग की तरकीब है कि शायद अगर मैं चार जैसे स्क्वाड वर्जन स्क्वाड खेलूँगा तो मेरे को शायद ज़्यादा किल मिल पाए, तो मुझे नहीं पता कि ये ट्रिक काम करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन चलो देखते हैं। और मुझे अब तक दोस्तों कुछ भी नहीं मिला और मैं दौड़ ही रहा हूँ और देखते हैं यहाँ पे मुझे क्या मिलता है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे मिल चुका है बैग और एक और मुझे क्या चीज़ मिली उस चीज़ के बारे में मेरे को नहीं पता। और दोस्तों, यहाँ पे मेरे को मिल गई है VSS की, जो कि अपने हम पबजी में यूज़ करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, मुझे मिला यहाँ पे एक एनिमी और मैंने उसको यहाँ पे सिंपली नॉकआउट करने की कोशिश, लेकिन दोस्तों वो भाग गया और देखते हैं किस साइड गया है और मैं उसको मार पाता हूँ कि नहीं मार पाता। और मैं यहाँ पे थोड़े से और कुछ वेपन्स वगैरह, देखो वो सामने दौड़ रहा है और मेरे को यहाँ पे मिल गया मेरे को एक हेल्थ किट। और हेल्थ किट ये देखिए दोस्तों, मैंने उसको नॉकआउट कर दिया, इजीली किल कर दिया मैंने उसको। और देखते हैं कुछ लूट मिल जाए उसके पास से मुझे। और मुझे VS कैसे है मेरे पास, और इसके अलावा मुझे एक और एक गन चाहिए। और मेरे पीछे से मेरे पे कोई फायरिंग कर रहा है, पहले मैं इस बंदे को किल कर देता हूँ और उसके बाद देखता हूँ इसके अंदर से कुछ नहीं। दोस्तों, इसके पास कोई अच्छी लूट नहीं मिली मुझे और मेरे पास यहाँ पे एक और गन है। और चलिए देखते हैं, मेरे पे पीछे से कहीं से फायरिंग की मतलब फायरिंग हुआ था तो वहाँ से मेरे को किसने मारा, और अभी भी कोई मेरे को मार ही रहा है और मैं उस बंदे को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। और जैसे सपोर्ट करूँगा दिए रहा है दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पे सपोर्ट कर लिया और मैंने इसको फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया और ईजिली मैंने इसको नॉकआउट भी कर दिया और ये बंदा रेंग रहा है अभी। चलिए मैं इसको किल कर देता हूँ यहाँ पर और देखते हैं इसके पास क्या लूट मिल सकती है मेरे को। तो मेरे VS में गोलियां ख़त्म हो गई उस वाली दूसरी वाली बंदूक में और मैंने फिर से VS निकाली। और अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास VS में भी दो बुलेट है और इस बंदे के पास से मुझे मिली शायद P12 पिस्टल मिल चुकी है। और अब मैंने अपने हाथ में P12 की पिस्टल उठा ली और अगर शॉर्ट कॉम्बैट में यहाँ पर फाइट होगी तो शायद मैं उस बंदे को किल कर पाऊँ, या फिर अगर उसके पास अच्छी गन होगी, वो फामा ऐसी कुछ कोई गन है तो वो होगी तो वो मेरे को ईजिली किल कर देगा। तो और आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे बुलेट्स 0 है और एक में दो बुलेट हैं और मैंने अपने हाथ में ये बंदूक पकड़ रखी है, बंदूक बोले तो पिस्टल पकड़ रखी है। और यहाँ से मुझे कुछ वेपन्स वगैरह मिल जाएं तो दोस्तों, अब मेरे पास मेरे VS में 20 के तकरीबन बुलेट्स आ चुके हैं और इसीलिए मैंने वापस से अपनी गन को चेंज कर लिया है। और देखते हैं यहाँ पे सामने की ओर, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बंदा है और मैंने इसको इजीली सपोर्ट कर लिया और मैं अब इसको किल भी कर दूंगा और मैं इस पर फायर कर ही रहा हूँ। दोस्तों, एक चीज़, अगर आप भी इस मैच को खेलते हो मतलब गेना फ्री फायर को, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को कंटिन्यू फायर नहीं करना है, आप लोगों को एक बार बटन टैप करना है और जैसे आपको लगेगा अब आपकी बुलेट दाएँ बाएँ जा रही है तब आप लोगों को क्या करना है कि तुरंत बुलेट का बटन स्टॉप कर देना है और उसके बाद थोड़ा सा रनिंग करना है और उसके बाद फिर से अपने बुलेट के बटन को टैप करना है, फायरिंग के बटन को टैप करना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो एम है एकदम परफेक्ट बंदे को बॉडी पे लगेगा और जिससे बंदा जल्दी नॉकआउट हो जाए। अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी प्लेयर को एक या दो फायर करके भागना नहीं चाहिए, अगर आप भागते हो तो वो बंदा ओबियसली आप लोगों को किल कर देगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो जितने भी बंदे हैं ये देखिए ये मेरे पे हल्का सा फायर करके भाग रहे हैं पता कि, और जैसे ही ये भागते हैं वैसे मैं इनको किल कर देता हूँ इनको पीछे मुड़ के। तो आप ये ट्रिक कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे मेरे पास बुलेट्स ख़त्म हो गई और पहले मैं अपने यहाँ पे थोड़ी सी हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ। दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर हेल्थ थोड़ी सी भी कम होती है तो आप उसको तुरंत रिकवर करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप अपनी हेल्थ रिकवर करना भूल जाते हो तो यार आप लोग जल्दी ही किल हो जाओगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जो पीछे बंदे को नॉकआउट किया था वो भी किल हो चुका है। और दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे 5 किल हो चुके हैं, शायद ये मेरी ट्रिक काम आई क्योंकि स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड में हमें किल मिल अच्छे खासे किल मिल जाते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, अभी भी मेरे पास कोई अच्छी गन नहीं है और एक ही अच्छी गन है, और उसके अलावा आप देख सकते हो मेरे पास VS है और यहाँ पर मैंने एक दूसरी गन उठा ली है। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये गन कैसे चलती है, मुझे नहीं पता।
और ना ही इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया है, सिंगल शॉट की शॉट गन की तरह चलती है कि ऑटो में चलती है, किसके बारे में भी नहीं पता अभी कोई। हाँ देखो मैं एक बंदे को स्पॉट कर लिया और ये शायद चल रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है गन, और ये सिंगल टैप टैप करके चला रही है बस मोड में, जैसे हम पबजी में बस मोड में चलाते हैं, ये उस तरह से चल रही है और एक साथ ज़्यादा बुलेट फायर कर रही है। आप देख सकते हो दोस्तों, मैं दौड़ रहा हूँ और मार रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ और मार रहा हूँ। बस आप लोगों को बस सिंपली यही करना है, जब आप बंदे को या एनिमी को स्पॉट कर लेते हो तो आप लोगों को उस पर कंटिन्यू फायरिंग नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखिए मैं अभी दौड़ रहा हूँ, तो आप जैसे दौड़ते हो तो आपका जो एम का कर्सर है वो ऑटोमेटिकली उस बंदे को डिटेक्ट कर लेता है, अगर आप बाय डिफॉल्ट इसकी गेम की जो सेटिंग है वो उससे खेल रहे हो तो। और इस चीज़ का एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। और दोस्तों यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कलेक्ट नहीं कर पा रही मुझे नहीं पता, शायद मेरा बैग फुल हो गया होगा, हो सकता है, या फिर ये सब मेरे काम की चीज़ें नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं इसके पास काफ़ी अच्छी लूट है, लेकिन मैं इन सब को ले नहीं पा रहा हूँ, और मैं कैसे लूँगा देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे क्या करना है एडिट। और यहाँ पे देखिए दो हेल्थ किट हैं और काफ़ी कुछ है इसमें, तो मैं इसको कैसे कलेक्ट करूँ वो मुझे नहीं पता। जब मैंने इसके ले लीजिए अपनी, पहले मैंने गन ड्रॉप कर दी है यहाँ पे, और अभी मेरे को इसके बारे में एक्चुअली सेटिंग के बारे में नहीं पता कि कैसे क्या उठाते हैं क्या नहीं क्या है। और ये मैंने वापस से वही अपनी गने उठा ली और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो शायद ये नहीं उठा पा रहा हूँ मैं इनको, पता नहीं क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ इन इतनी सारी बुलेट्स को। और मेरे पे किसी ने पीछे से फिर से फायर की, तो ये देख सकते हो दोस्तों ये यहाँ पे बंदा मेरे पे फायर कर रहा है, और ये देखिए मैं इसको इजीली किल कर दूंगा यहाँ पे। तो मेरे पास दोस्तों आप देख सकते हो 6 किल तो हो चुके हैं और वो भाग गया। तो आप लोगों को कभी ये नहीं करना है दोस्तों, जैसे कि ये बंदा कर रहा है, ठीक है, जैसे इस बुलेट फायर किया उसके बाद भागना स्टार्ट कर दिया तो, और मैंने इसको इजीली मार दिया। और एक चीज़ का आप लोगों को, अगर आपके पास पैन है और आपने अपने पैन को पीछे लगा रखा है, तो दोस्तों अगर जब आप भाग रहे हो और आपको कोई पीछे से हिट करता है, गोली बुलेट मारता है, तो आपको जो आपका पैन है ना उसको रोक लेता है और आप लोगों की काफ़ी हेल्प करता है। इसीलिए हो सके तो पैन लेना बहुत ज़रूरी है, और ये मतलब हमें पीछे से पैन जो होता है पीछे से पूरा प्रोटेक्ट देता है। तो दोस्तों इसके साथ हो चुके मेरे 7 किल और वो बंदा भाग रहा है और इसको ये मैंने इसको किल कर दिया और मैंने इसको नॉकआउट भी कर दिया। यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे हैं, मैंने पीछे की साइड भी 2 बंदों को सपोर्ट किया, पूरी स्क्वाड है शायद, और मेरे स्क्वाड के मेंबर पता नहीं कहाँ पे हैं, और ये मेरे आसपास वैसे दिख रहे हैं, लेकिन अब तक हम मतलब जैसे कि एक टीम वर्क करते हैं ना, एक साथ मिल के खेलते, वैसे नहीं खेल रहा, मैं इनसे अलग ही खेल रहा था और मैं इनसे अलग ही उतरा हूँ। तो मैं यहाँ से इन सारी चीज़ों को यहाँ पे पहले कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास है स्कारेल, और दोस्तों मैंने यहाँ पे स्कारेल उठा ली, और स्कारेल के साथ साथ ये बॉडी आर्मर और ये बुलेट्स वगैरह भी मैंने ले ली है। और अब मैं थोड़ी सी अपनी यहाँ पे हेल्थ रिकवर कर रहा हूँ, और क्योंकि अभी मुझे पता है कि लास्ट का सर्कल है और यहाँ पे अगर सारे प्रो बंदे ही होंगे, क्योंकि लास्ट के सर्कल में वो भी भाई किल करते हुए आ रहे होंगे। और दोस्तों इसी के साथ हो चुके मेरे 8 किल, और देखते हैं मैं अपने किलों को और कितने आगे तक इंक्रीज़ कर पाता हूँ। और अब मैं इस जो हम पीछे ये कैरेट मैंने छोड़ दिया था जिसमें मैं कुछ उठा नहीं पा रहा था, इसको मैं अब ओपन करके देखता हूँ शायद कुछ उठा ले। हाँ तो दोस्तों अब इसमें से इसको उठा ली, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक और गन पड़ी है, और मैं अपनी गन स्विच कर लेता हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों मैंने गन भी चेंज कर ली, और यहाँ पर मैं पैन मैंने नहीं उठाया जो कि मेरे को उठा लेना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं, मैं विदाउट पैन भी काफ़ी अच्छा खेल रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरी स्क्वाड भी है, ठीक है, मेरे अलावा जो मेरे स्क्वाड के 3 मेंबर है वो भी मेरे आसपास ही हैं, और देखते हैं अभी मैं हम जीत पाते हैं कि इन्हें मैच जीत पाते हैं। और मैं अभी मेरे हो चुके हैं 8 किल, और मैं यहाँ पे कितने किल कर पा रहा हूँ दोस्तों देख सकते हो मेरे पे यहाँ पे किसी ने बुलेट फायर किया है और मेरे सामने साइड की फायरिंग, और ये देखिए दोस्तों मैंने उस गन बंदे पे यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर दी और मैंने उससे फ़ाइट ले ली। तो मैं इससे फ़ाइट करके देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। और दोस्तों वो पिछले भाग रहा है वो बंदा, और आप लोगों को दोस्तों इस चीज़ का खास ख्याल रखना, आप लोगों को इस तरह से पागलपन नहीं करना, या तो आप लोगों को बंदे को पूरी तरह से किल करना है, या फिर आप 1-2 बुलेट मार के उसको भागने का नहीं। अगर आप भागते हो तो बंदा आप लोगों को इजीली किल कर देगा, ठीक है। तो वो बंदा शायद घर में छुप चुका, और मैंने उसकी काफ़ी हेल्थ डाउन भी कर दिए, और इसके साथ ही मेरे पे ये देखिए ऊपर से ये बंदा मेरे पे बुलेट फायर कर रहा था, और मैं देखता हूँ पहले उसको मैंने छोड़ दिया, और इसको क्योंकि वो घर के अंदर जा चुका है, और उस साइड से मतलब वो सर्कल के एकदम नज़दीक, और मैं सर्कल एकदम नज़दीक नहीं जाना चाहता, मैं सर्कल के एकदम सेंटर में खेलना चाहता हूँ। मैंने यहाँ
यहाँ पे इस पे फायरिंग करने के लिए काफ़ी सारे बुलेट मारो, मेरे पे वो बंदा सामने से फायरिंग कर ही रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारी गोलियाँ पड़ी और तीन और से फायरिंग कर दी और ये मैंने उस बंदे को इजीली किल कर दिया। दोस्तों इसी के साथ आप देख सकते हो मेरे हो चुके 10 किल और मेरे को यहाँ पे इस साइड से मेरे पे कोई फायर कर रहा है, तो मैं देखता हूँ मेरे को कौन मार रहा था पीछे से बुलेट। और ये देखिए मुझे पता चल गया इस साइड से मेरे पे बुलेट फायरिंग हो रही थी। और अब मैं पहले अपनी हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ, नहीं तो दोस्तों अगर मेरे को दो गोलियाँ पड़ेंगी यहाँ पे तो मैं नॉकआउट हो जाऊँगा या मारा जाऊँगा। और ये एकदम लास्ट का मैच है और अभी दोस्तों मैंने मेरे हुए 10 किल और आप लोग देख सकते हो अभी 9 अलाइव हुए। तो अब 10 किल तो मेरे हो चुके, मैं और देखता हूँ कि मैं और यहाँ पे कितने किल ले सकता हूँ। और मैंने अपनी पूरी पूरी हेल्थ भी यहाँ पे रिकवर कर ली है और देखते हैं भाई क्या कुछ हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 8 बच गए और किसी ने एक को और मार दिया, तो काफ़ी बुरा लगता है दोस्तों जब अपने को किल नहीं मिलते और जल्दी जल्दी प्लेयर कम होते हैं। और ये यहाँ पे दोस्तों कोई गाड़ी लेके आता हुआ पता नहीं शायद स्पोर्ट का ही बंदा है, फायरिंग कर रहा हूँ और बस नहीं और वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो अभी यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक और बंदा जो घर के अंदर गया था वो यहीं कहीं पे होगा। और ये भी मेरे साथ लूट रहा है हेल्थ किट वगैरह और ये भी मेरे स्क्वाड मेंबर है। और हम मतलब एक बार यहाँ पे अब मिले हैं पूरे मैच में जाके, क्योंकि मैं अपनी स्क्वाड से भी अलग उतरा था क्योंकि मुझे चाहिए थे किल ज़्यादा और आप लोगों को दिखाना था, इंटरटेनमेंट करना था और इंटरटेन करना था इसीलिए। और अब हो चुके दोस्तों मेरे पास 10 किल, 8 लाइव हैं, 8 में से जिस जो कि 4 तो हम ही हैं। और दोस्तों एक बंदा सामने और कर दूंगा यहाँ पे, तो वो भाग लिया है आगे से और मैं उस पर फायर कर रहा हूँ और मेरी बुलेट से उस बंदे तक पहुँच ही नहीं पा रही है। तो चलिए मैं और थोड़ा आगे बढ़ के उसको किल करता हूँ। और दोस्तों उसी साइड से सर्कल भी हमारी तरफ पुश करते हुए आगे बढ़ रहा है और ये देखिए दोस्तों मैंने इसको इजीली यहाँ पे किल कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ से इसमें से कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और अब सर्कल काफ़ी छोटा हो चुका है दोस्तों और अभी 7 अलाइव हैं और मेरे पास 11 किल हो चुके हैं। तो दोस्तों और मैं देखता हूँ और मैं यहाँ पे कितने किल कर सकता हूँ, क्योंकि 4 तो मेरी मतलब मेरे को लेके मेरी 4 हम 4 स्क्वाड मेंबर हैं और 3 अभी बंदे और अलाइव हैं और मैं उन 3 बंदों में से 1-2 किल और मुझे मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, चलिए देखते हैं। और मैं ढूँढ रहा हूँ वो बंदे हैं कहाँ पर और मेरे हो चुके हैं अभी 11 किल और 3 या 5 अलाइव हैं अभी भी बंदे, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगर मेरे स्क्वाड मेंबर्स ने उनको मार दिया तो मुझे किल नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं उनको जल्दी से ढूंढ रहा हूँ ताकि मेरे को किल मिल सके और मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, एंटरटेन कर सकूँ। और ये देखिए ये सिर्फ मेरे स्क्वाड मेंबर ही दौड़ रहे हैं, अगर मैं इनको मार सकता तो इनको भी मैं ठोक देता लेकिन ऐसा आप लोगों को पता है कि हम नहीं कर सकते, पबजी में तो कर सकते हैं। और इस गेम के अंदर ग्रेनेड वगैरह भी नहीं मिलती हैं। और ये देखिए दोस्तों उन लोगों ने शायद उनको मार दिया या फिर वो सर्कल से नॉकआउट हो गए या मर गए। और इसी के साथ दोस्तों हम ये मैच भी जीत लिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब।